आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैंने फ्लिपकार्ट से कुछ ऑर्डर किया था, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ क्या है वो। पीसेस है, मैं उसे एक स्टोन की हेल्प से थोड़े और छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर लूँ, ताकि जब मैं इसे मिक्सर में डाल के पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करूँ तो कोई प्रॉब्लम ना हो। और ये सब करने में थोड़ा सा टाइम तो लगेगा। देखिए इतनी तेज़ धूप में मैं बेचारी छोटी सी बच्ची कितनी मेहनत कर रही हूँ, और आप लोग हैं कि मेरे वीडियो को लाइक तक नहीं कर सकते हैं। मेरी सिस्टर भी मेरी हेल्प कर रही है, वो वीडियो शूट करने का काम कर रही है। कुछ लोग होते हैं ना जो मुल्तानी मिट्टी खाते हैं, आप लोगों में से वो पर्सन कौन है जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ। और ये भी बताना कि मुल्तानी मिट्टी का टेस्ट कैसा लगता है। ऑल दो मैंने टेस्ट किया था थोड़ा सा, बट मुझे अच्छी नहीं लगी वो। इस पूरी मिट्टी को छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड करने में तो बहुत टाइम लग जाएगा। मैं ये काम कर रही हूँ, तब तक आप जल्दी से जा करके मेरे वीडियो को लाइक कर दो। फाइनली मैंने इसे छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर लिया है, और अब आगे देखते हैं होता है क्या। अब ये जो मुल्तानी मिट्टी के छोटे छोटे जितने भी पीसेस हैं, उन्हें मैं धीरे धीरे करके इस मिक्सर के जार में डालूंगी, और इसके बाद आगे आप खुद ही देख लीजिए क्या होता है। जस्ट वेट एंड वॉच। जार में मैंने थोड़ी थोड़ी करके ये मिट्टी फिल कर ली है, और अब देखिए क्या करते हैं। इसको मिक्सर के ऊपर अच्छे से सेट कर देना है, एंड देन स्विच को ऑन कर देना है। चलिए जल्दी जल्दी जार को ओपन करके देख लेते हैं कि हमारी जो मिट्टी है वो कम्प्लीटली पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हुई है या नहीं। सो लेट्स ट्राई, ये ओपन नहीं हो रहा है, अभी थोड़ा और मेहनत करना पड़ेगा। एंड फाइनली ये हो गया ओपन। देखिए ये बिल्कुल मिट्टी पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है। अब थोड़ी बहुत जो बची हुई मिट्टी है उसे भी मैं जल्दी जल्दी इस जार के अंदर फिल कर दूंगी, और उसे भी मिक्सर ऑन करके पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर दूंगी। तब तक आप लोग वीडियो को देखते रहिए, लास्ट में क्या होता है, मैं इस मिट्टी के साथ क्या करती हूँ। और आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मुल्तानी मिट्टी कितने पर्संस यूज़ करते हैं। अब इसे निकाल लूंगी, एंड ये तो ओपन ही नहीं हो रहा है। खुल जा जल्दी से। उप्स, यहाँ से इतना ज़्यादा धूल उड़ रहा है, ये है तो मिट्टी ही ना।
बाद थोड़ी मेरे पास और ज़्यादा ग्राइंड हुई मिट्टी आ गई है। एंड फाइनली लास्ट में जितने भी मिट्टी के छोटे छोटे और पीसेस बचे हुए हैं उसे भी मैं ग्राइंड कर लूँगी। ये वर्क बहुत ही केयरफुली करना पड़ रहा है, बिकॉज़ अगर थोड़ा बहुत भी नीचे डस्ट गिरेगा ना तो मम्मी बहुत मारेंगी सीरियसली। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जितनी भी मिट्टी थी मैंने उसे ग्राइंड करके पूरा का पूरा पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। एंड अब मैं इसे एक कंटेनर में फिल कर रही हूँ। थोड़े टाइम बाद ये कंटेनर फिल हो जाएगा, देन मैं इसे रख लूँगी। तो ये था मेरा आज का वीडियो। वीडियो कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कम कम एक सीक्रेट की बात बताओ, इस तरह से वीडियो बनाने के लिए ना बहुत मेहनत लगती है। पहले उसे पूरा शूट करो, फिर एडिट करो, और बीच में तो इतनी गड़बड़ होती है कि मैं क्या ही बोलूं। इसीलिए अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक ज़रूर करके जाया करिए, और इसी तरह से और वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए अगर आप इस चैनल में नए हैं तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।